खुशखबरी 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 और बड़ी खुशखबरी ये है कि RCS 01 इंडिया में शुरू होने वाला है। काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया था, काफ़ी सारे टोंट भी कर रहे थे, और हमेशा ही करते हैं ऐसी बातें कि जब फॉरेन वाले इतनी अच्छी रिसर्च कर सकते हैं तो इंडिया में आखिर क्या कमी है, इंडिया में इस तरह की रिसर्चेस क्यों नहीं होती। तो यही प्रोसेस था, यही रीज़न था कि काफ़ी टाइम से मैं बिज़ी था अपने सीनियर डॉक्टर से, अपने प्रोफेसर से, लैब से, इसके साथ साथ कुछ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़, उनके साथ मैं मीटिंग्स कर रहा था काफ़ी दिनों से, और हम ये डिस्कशन कर रहे थे कि जब वहाँ पे ये ट्रीटमेंट ट्रायल हो सकता है तो उसी तरह का ट्रायल हम यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते। वेल, ट्रीटमेंट को लॉन्च करना तो वो तो FDA का काम है, FDA को अप्रूवल जाएगा उसके बाद लॉन्च होता है, लेकिन तब तक हम क्लिनिकल ट्रायल तो कर सकते हैं। तो हमने डिसाइड किया इसके साथ साथ निम्स यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी मेडिकल यूनिवर्सिटी और प्रीशम बायोटेक जो लेबोरेटरी है, तीनों ने मिलकर, और सोकल हॉस्पिटल, हम सब ने मिलकर ये डिसाइड किया कि RCS 01 के जो ट्रायल हैं, क्लिनिकल ट्रायल इंडिया में शुरू होंगे। वो आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है दोस्तों, हमारे लिए सबसे बड़ी गर्व की बात यह है, ये क्लिनिकल ट्रायल का जो सैंपल लिया जाएगा वो सैंपल लिया जाएगा सोखल हॉस्पिटल में, यानी कि आपके अपने हॉस्पिटल में। दोस्तों, इस ट्रीटमेंट का नाम RCS 01 ना होके DHC सेल थेरेपी होगा, जो कि अपना इंडिया में होगा पूरी तरह से, और प्रोसीजर कुछ इस तरह से रहेगा कि आपका सैंपल लिया जाएगा सोखल हॉस्पिटल में, यानी कि हमारे हॉस्पिटल में मेरे द्वारा सैंपल लिया जाएगा। सैंपल से पहले कंप्लीट ब्लड टेस्ट आपका किया जाएगा, और ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट अगर ओके होती है, एकदम फाइन आती है, एकदम जैसे हम चाहते हैं वैसे आती है, तो सिंपल पंच बायोप्सी द्वारा पीछे से आपके हेल्दी हेयर फॉलिकल्स निकाले जाएंगे, महज 20-30 हेयर फॉलिकल निकाले जाएंगे। उसके बाद उसको स्पेशल प्रिजर्वेटिव मीडियम में रखकर स्पेशल टेम्परेचर में स्पेशल टेक्निक के द्वारा उसे ले जाया जाएगा प्रीशम बायोटेक लेबोरेटरी में, और वहां पे महात्मा गांधी मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, उसके साथ साथ निम्स यूनिवर्सिटी के जो फ्रेशर डॉक्टर्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, वो रिसर्च करेंगे, उनके अंडर में सब टेस्ट होगा, और इनको 5 से 7 हफ्ते रखा जाएगा। हर हफ्ते उसकी निगरानी होगी, हर हफ्ते उनकी सेल्स की काउंटिंग चेक होगी, और उसके बाद 7 हफ्ते बाद वो स्पेशल मीडियम लाया जाएगा सोखल हॉस्पिटल में वापस यहाँ पे, और आपको बुला के, पेशेंट को बुला के वापस ड्रोन आउट किया जाएगा आपके स्कैल्प में, और रिजल्ट देखा जाएगा। 1 साल तक हम इसे ऑब्जर्व करेंगे। तो पहले ट्रायल में हमने डिसाइड किया है कि 100 पेशेंट्स हम इंक्लूड करेंगे, उसमें फीमेल भी इंक्लूड होगी, उसमें मेल भी इंक्लूड होंगे, उसमें एंड्रोजेनिक एलोपेशिया वाले भी इंक्लूड होंगे, उसमें एलोपेशिया एरेटा वाले इंक्लूड भी होंगे, उसके साथ साथ और भी जो एलोपेशिया टोटलाइटिस, एलोपेशिया यूनिवर्सलिस जो है, सारे पेशेंट इसमें इंक्लूड किए जाएंगे, ताकि हमें पता लग सके कि यह ट्रीटमेंट पर्टिकुलर इस मेडिसिन का जो इफेक्ट है इस डिजीज में कितना है, इस डिजीज में कितना है, फीमेल के केसेस में कितना है। तो कंप्लीट जो है रिसर्च की जाएगी, ये महज क्लिनिकल ट्रायल है, इसका मतलब ये बिल्कुल मत समझना कि ये ट्रीटमेंट अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन अभी ट्रायल ही किया जाएगा पहले 100 पेशेंट्स पे, और रिजल्ट्स अच्छा आता है तो फिर हम फर्दर 1000 पेशेंट पे ये ट्रायल करेंगे। बात आती है साइड इफेक्ट के दोस्तों, कहीं ना कहीं आप सोचोगे कि इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, तो बता दूं कि ये PRP का अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ही है। PRP को मॉडिफाई किया गया है, PRP में स्टेम सेल्स ली जाती है आपकी ब्लड की, लेकिन यहाँ पे स्टेम सेल्स ली जाएगी आपकी डायरेक्ट बालों की, हेयर फॉलिकल की, जो हेयर फॉलिकल के चारों तरफ DHC सेल थेरेपी होती है, वही हेयर जो एक्सट्रैक्ट करके, उन्हें मल्टीप्लाई करके, ड्रोन आउट करके आपके स्कैल्प में लगाया जाएगा। तो इस ट्रीटमेंट का नाम RCS 01 ना होकर DHC सेल थेरेपी होगा, जो कि इंडिया में शुरू होने जा रहा है। अब बात आप कहोगे कि कब से ट्रायल शुरू हो जाएंगे, हमारी मीटिंग्स में, हमारी बोर्ड मीटिंग में ये तो डिसाइड हो गया कि हम क्लिनिकल ट्रायल जो है शुरू करेंगे, सोखल हॉस्पिटल में सैंपलिंग होगी, और उसके बाद जो है प्रीशम बायोटेक में उसका प्रोसीजर होगा। लेकिन ये प्रोसीजर कब शुरू होगा, ट्रायल कब शुरू होगा, इसकी जो फर्दर अपडेट है अभी तक कंफर्म नहीं की गई है। कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ जो भी प्रॉब्लम्स बीच में आ रही है, जो समस्याएं हैं, जो माइक्रोस्कोप सही है, जो सारे कंप्लीट होने के बाद ही हम ट्रायल शुरू करेंगे, और कंप्लीट जो प्रिजर्वेटिव मीडियम है कंप्लीट रेडी होने के बाद ही ट्रायल शुरू होगा। तो मान के चलते हैं 3-4 महीने के अंदर ट्रायल शुरू हो जाएगा, और जैसे ही ट्रायल शुरू होगा तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी हमारे चैनल के थ्रू, क्योंकि हम हैं इसके स्पॉन्सरशिप में, इसके पार्टिसिपेट हैं, और इसमें
तो ये राइट्स हमारे पास हैं इस वीडियो के। ये वीडियो आपको और कहीं नहीं मिलेगी। आप सोच भी सकते हो कि अगर ऐसा है तो वीडियो और कहीं क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे ये राइट्स हैं, स्पेशल राइट्स हैं। सोखल हॉस्पिटल के इस बोर्ड मीटिंग में डिसाइड किया गया है कि इसके बारे में कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी ड्रोन आउट होगी हमारे ही द्वारा ये अनाउंस किया जाएगा सोखल हॉस्पिटल के द्वारा ही। तो अगर आप जानना चाहते हो तो यूट्यूब पे या फिर गूगल पे आप सर्च कर सकते हो RCS01 कोस्ट इन इंडिया, RCS01 इन इंडिया, RCS व्हेन इज लॉन्चिंग। तो ये जो जितने भी कीवर्ड्स हैं आप सर्च करके देख सकते हो, आपका पता लग जाएगा सारी सच्चाई क्या है। दोस्तों गंजेपन की चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए। जैसा कि हमने वादा किया था, लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स हम आप तक प्रोवाइड करवाते हैं और वादे के अकॉर्डिंग हम लेके आ गए हैं DHC सेल थेरेपी, जो कि अल्टरनेटिव है RCS01 के ही। ये सेम बेस्ड होगा RCS के ही तर्ज पे हम इस पे काम करेंगे। जैसे जैसे RCS में प्रोसीजर होता है उसी प्रोसीजर से इसमें काम किया जाएगा। तो रिलैक्स होकर बैठ जाइए और वेट कीजिए कब हम इसका ट्रायल शुरू करेंगे, कब हम इसका सैंपलिंग लेने शुरू करेंगे। जैसे ही सैंपलिंग स्टार्ट करेंगे वैसे ही हम आपको अपडेट कर देंगे वीडियो के द्वारा, और आप सोकल हॉस्पिटल जयपुर आके सैंपल दे सकते हो। किन लोगों का सिलेक्शन होगा वो तो वही है, फर्स्ट सबसे पहले और सबसे पहले पाओ वाली तर्ज पे ही वो किया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी खुशखबरी है, मैंने सोचा कि आपको बता दूं। उससे पहले भी मैंने 5-7 दिन पहले पोस्ट डाली थी कि हम ऐसा ट्रीटमेंट है जो लाने वाले हैं। बता दूं एक बार फिर से, इसको स्पॉन्सर कर रहा है सोखल हॉस्पिटल, महात्मा गांधी मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसके साथ साथ निम्स यूनिवर्सिटी जो कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, इसके साथ साथ प्रिशम बायोटेक लेबोरेटरी जो कि इंटरनेशनल लेबोरेटरी है। तो ये सारे मिलकर इस प्रोसेस को करेंगे, बहुत जल्दी शुरू करेंगे। और अपडेट आपको सबसे पहले तभी मिलेगी जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि बिना सब्सक्राइब किए आप तक वीडियो नहीं मिल पाएगी। कब ये ट्रीटमेंट, कब ये रिसर्च आएगा, कब ये ट्रायल शुरू होगा आपको पता भी नहीं लग पाएगा। तो आप जानने के लिए कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और पास में लगे बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिए। इसके साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता लग सके हमारे चैनल के बारे में, हमारे इस न्यूज के बारे में, हमारे इस रिसर्च के बारे में, इंडिया की प्रगति के बारे में। तो टिल देन कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, कीप लविंग, लव यू सो मच।